डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, इस वीडियो में हम जो है डिफरेंस देखेंगे, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वाइल और डू वाइल लूप के लूप में। ऑलरेडी हम दोनों लूप्स को स्टडी कर चुके हैं, और वाइल और डू वाइल लूप में, डू वाइल जो है दैट इज़ सिमिलर, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वाइल लूप है, एक्सेप्ट दैट के कंडीशन जो है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप, यानी कि जो है कंडीशन बॉडी ऑफ लूप की बाद एग्जीक्यूट होती है, और इसे हम नॉर्मली एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और वाइल लूप में हमने देखा कि बॉडी जो है वो ऑलवेज उस टाइम एग्जीक्यूट होगी इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर वाइल के अंदर कंडीशन ट्रू है तो लूप ने एग्जीक्यूट होना है, अदर बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है, अदरवाइज बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर बॉडी ने एट लीस्ट वन टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होना है, इधर जो है कंडीशन इज फॉल्स और ट्रू, दोनों सूरतों में उसने एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना ही होना है एटलीस्ट वन टाइम। तो जो डिफरेंस है वो देखते हैं हम। इन वाइल लूप कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ लूप, वाइल लूप के अंदर जो है कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल हमारे पास कंडीशन है और उसके बाद ये बॉडी है, तो कंडीशन पहले चेक होती है और उसके बाद जो है वो बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो तब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली इन डू वाइल लूप कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप, यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल के अंदर तो ये हमारे पास बॉडी है डू वाइल की और ये कंडीशन है, तो कंडीशन जो है वो बॉडी के बाद है और इसने एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड डिफरेंस जो है, सेमी कॉलन इज़ नॉट प्लेस आफ्टर द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देखें यहाँ सेमी कॉलन जो है कंडीशन के बाद नहीं लगी, लेकिन सेमी कॉलन इज़ प्लेस आफ्टर द एक्सप्रेशन डू वाइल के अंदर, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमने ये सेमी कॉलन लगाया हुआ है एक्सप्रेशन के बाद, ये सेकंड डिफरेंस है। इफ कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग ऑफ वाइल लूप इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, अगर कंडीशन फॉल्स है शुरू में ही तो वाइल लूप जो है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स से कि हमारे पास ये एक्स वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल जो मेमोरी के अंदर उसके अंदर हमने ज़ीरो इनिशियलाइज करवाया, तो चेक करेगा वाइल एक्स इज़ इक्वल टू वन, तो एक्स में ज़ीरो है विच इज़ नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन इज़ फॉल्स, फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है कि इस एग्जांपल का कोई आउटपुट नहीं आएगा, जो आगे स्टेटमेंट होगी प्रोग्राम आगे नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। डू वाइल इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग ऑफ लूप, यहाँ पे जो सिचुएशन वो ये है कि चाहे कंडीशन ट्रू है या नहीं है, इस बॉडी ने एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना ही होना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्सप्रेशन हम देखें तो एक्स के अंदर हमने वन रखवा दिया, एक्स वन, और कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, पहले जो है स्क्रीन पे हमारे पास वन जो है वो डिस्प्ले होगा, आउटपुट होगा, और उसके बाद एक्स की वैल्यू एक इंक्रीज़ होगी और एक्स की वैल्यू जो है वो टू हो गई, और उसके बाद कंडीशन को चेक किया, एक्स में जो वैल्यू पड़ी है टू इज़ इक्वल टू वन, फॉल्स, क्योंकि दो जो है वो एक के बराबर नहीं है, दैट्स मीन के अब दोबारा कंट्रोल जो है वो ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि फॉल्स हो चुकी है, इसके बाद जो है जो भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हमने देखा इस लूप के अंदर एक दफ़ा बॉडी लाजमी एग्जीक्यूट हो रही है, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है, दोनों सूरतों में जो है बॉडी ने एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करना है, दैट्स वाई इस प्रोग्राम में हमारे पास आउटपुट जो है वो एक डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन वन इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन जो है वो बिफोर बॉडी ऑफ लूप है, सेम यहाँ पे भी एक्सप्रेशन वन जो है, जिस तरह के हमने फॉर लूप में तीन एक्सप्रेशन देखी थी, एक्सप्रेशन वन इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन टू कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, और एक्सप्रेशन थ्री जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो अगर हम दोनों लूप्स का कंपैरिजन करें तो इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन दोनों लूप्स में बॉडी से पहले है, इसके बाद एक्सप्रेशन टू जो है वो सेकंड लेवल में है वाइल लूप के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो थर्ड लेवल पे है, ये एक्सप्रेशन जो है टू है हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद बॉडी के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन है और ये थर्ड लेवल बन रहा है वाइल लूप के अंदर, और यहाँ पे जो है बॉडी के अंदर ही है
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन, बट दैट इज़ सेकेंड लेवल जो है हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो एक्सप्रेशन वन टू और थ्री जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं। लेवल वन पे एक्सप्रेशन वन है, लेवल टू पे कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन है, लेवल थ्री पे यानी कि एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। बट यहाँ पे जो है सिचुएशन क्या है कि एक्सप्रेशन इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन वन फर्स्ट लेवल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो दैट इज़ सेकेंड लेवल, और उसके बाद थर्ड लेवल पे जो है कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन जो है वो आती है डू वाइल लूप के अंदर। तो ये एक कंपैरिजन था, थोड़ा सा डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप के अंदर, जिसको हमने इस वीडियो के अंदर देखा और स्टडी किया।